आत्माओं को प्रचार किया. In the prison, the paradise and the hell is there. जो कुंजी जो बंदी गृह में थे जहां पर नर्क कहते हैं. So that is the third world. और उसे दूसरी तीसरी दुनिया कहते हैं. Amen. Let us see the fourth world. अभी आइए चौथा दुनिया देखेंगे. The fourth world is called the habitation of demons. चौथी दुनिया है वो है उस दुष्टात्मा का रहने की एक जगह है. That is called the pit. उसे कहते हैं गड्ढा. No, this all there only. आजू बाजू neighbors. वो सब पड़ोसी है वहाँ है वहीं पर है. Turn your Bible to Luke 8:31. लूक 8:31 में चलेंगे. Are you getting something? Yes. Okay. Yes. And demons begged him that they would not command them to go out into the abyss. See? उन्होंने उसे विनती दुष्टात्माओं ने उसे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे. This is the place where the demons lives. तो ये जगह है जहां पर दुष्टात्माएं रहती हैं. Hallelujah. They are begging Jesus. वो यीशु से भीख मांग रहे विनती कर रहे हैं. Please don't send us to the pit abyss. तो कृपा करके हमें उस गड्ढे में नहीं भेजो. Hallelujah. You know how demons are loosed? जानते हो दुष्टात्माएं कैसे आजाद हो जाते हैं? How they are released from the pit, do you know? जानते हो उस गड्ढे से वो बाहर कैसे निकलते हैं? It happens because वो इसलिए होता है. People's desires for the lust of the flesh. लोगों की इच्छा शरीर के इच्छाओं के लिए है. Hallelujah. When people desire जब लोग इच्छा करते हैं the things of the world that is enticing them to sin और संसार की चीजें जो उन्हें पाप करने के लिए जो इच्छा रखते हैं that is the time the demons are released from the pit to capture them and make them to fall in sin. तो उसी समय वो दुष्टात्मा जो गड्ढे में है वहां से वो रिलीज हो जाते हैं और आते और उनको जो है पाप करने की पाप उत्पन्न करते हैं उनके अंदर. Hallelujah. That is out there. You can release the demons. यानी दुष्टात्मा को आप रिलीज कर सकते हो. A one single desire of wrong things can release a demon from the pit. गलत चीजों की एक इच्छा मन में रखना वो शैतान को रिलीज कर सकता है. That's what Jesus said. इसलिए the moment you see a woman and if you already committed, the Bible says you already slept with her. यानी यीशु ने कहा अगर किसी को बुरे नजर से अगर तुम देखो एक स्त्री को अगर बुरे नजर से देखो तो पहले से तुमने व्यभिचार कर लिया है. That is the time the demons will capture a person. उसी समय जो है शैतान एक व्यक्ति के ऊपर कब्जा कर लेता है. This I will talk on the next topic. How the demons are activated. तो ये अगली बार जो मैं अगली टॉपिक के ऊपर मैं बताऊंगा दुष्टात्मा शैतान कैसे काम करता है. Hallelujah. That is the time the Bible says in book of Revelation in the last chapter 9 all the demons virtually they will be released. और इसे लुका 9 में लिखा हुआ है उनके चैप्टर में कि जो अंत के दिनों में जो है सारे जो दुष्टात्माएं उन्हें जो है खोल दिया जाएगा. In Revelation chapter 9:3 it says प्रकाशित वाक्य 9:3 कहता है द डिस्क्रिप्शंस ऑफ डीमंस इज अनलाइक एनीथिंग वी कैन इमेजिन. और शैतान का जो वर्णन किया है जिसका हम अनुभव भी नहीं कर सकते हैं. हालेलुया. एनीथिंग दैट यू इमेजिन दैट बिकम्स डीमन. यानी कुछ भी चीज को तुम कल्पना करो वो दुष्टात्मा okay. शैतान बन जाता है. लेट्स रीड वर्स 7 3:3 रेवलेशन. प्रकाशित वाक्य 9:3 आउट ऑफ द स्मोक लोकस केम अपॉन द अर्थ and to them was given power as the scorpion of the earth has power. Okay. 9:3. उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी से पृथ्वी के बिच्छुओं को की किसी शक्ति दी है. Okay, let's read from 2. And he opened the bottomless pit and the smoke arose out of the pit like the smoke of great furnace, so the sun and the air were darkened because of the smoke of the pit. उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं के सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए. They take any shape.
whatever you imagine that becomes demons, I'm telling you this. यानी वो कोई भी शेप ले सकता है, यानी जो भी तुम विचार करोगे, कल्पना करोगे, उसका वो रूप ले सकता है. I saw the ten horns that becomes a demon. अगर तुम कहोगे कि मैंने 10 सिंह देखा है, तो वो 10 सिंह का रूप ले सकते हैं. You saw the nose on the head, that is a demon. Because God has given the nose. या शायद तुमने कोई देखा है, ऐसे कल्पना किया कि किसी का नाक जो है सर के ऊपर है, तो वो भी दुष्टात्मा है. God has not given the chimney on the head to smoke and chew, no. Right. God has given the nose to smell good things. तो चिमनी जो है कि प्रभु ने जो है नाक को जो है सर के ऊपर नहीं दिया कि फूंक फूंके चिमनी के समान और सर के ऊपर से निकले, लेकिन प्रभु ने सही जगह पर दिया है नाक को. Let's read 7. The shape of locusts was like horse prepared for battle. On their heads were crowns of something like gold, and their faces were like the faces of men. इन तिड़ियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसा था, और उसके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे. 8. They had a hair like woman's hair, and their teeth were like lion's teeth. This all we see, you know, in the dreams, right? उनके बाल स्त्रियों के बाल के जैसे थे, और दांत सिंहों के दांत जैसे थे. They are anything because of your desire that will be released. तो कैसे भी है, जैसे तुम इच्छा रखते हो उसके अनुसार वो. And they had a breastplates like a breastplates of iron, and the sound of their wings was like the sound of chariots with many horses running into battle. और वे लहू की सी झीलम पहने हुए थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हैं. Hallelujah. They had a tails like scorpions, and they were stings in their tails. The power was to hurt men. और उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी, और उनमें डंक थे, और उनके 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वो उनकी पूंछ में थी. You know, the demons are like mixture of animals, you know. यानी ये जो शैतान जो है वो जानवरों के साथ में उनका जो है वर्णन एक साथ गुल मिल जाते हैं उनका वर्णन. You and I were created in the image of God, perfect. लेकिन तुम और मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए और हम सिद्ध हैं. God looks like you. प्रभु तुम्हारे समान दिखते हैं. But demons look like this. यानी दुष्ट आत्माएं इस रीति से दिखते हैं. Some people they take the art and make anything fun that becomes a demon. और कुछ लोगों को ऐसे आर्ट बनाने का या चित्र निकालने का निकालते हैं, और कुछ भी वो लोग बनाते हैं और वो दुष्ट आत्मा के जैसा दिखता है. This demon or release to torture men. तो ये दुष्ट आत्माएं मनुष्यों को सताने के लिए छोड़ा जाता है. But I thank God, before this demons were released, we will be raptured. मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि ये दुष्ट आत्माओं को जो है आने से पहले संसार में पृथ्वी में हम उसके पहले उठाए जाएंगे. Now, where does the demon stay? In the pit. तो ये दुष्ट आत्मा कहाँ पर रहती है? अभी उस कुंड में रहती है. Bottomless pit. यानी उस गहरे कुंड. Your desire can release, your wrong desire can release a demon. यानी तुम्हारा एक गलत विचार उन दुष्ट आत्माओं को खोल सकता है. Number 5. Fifth underworld. It is called Gehenna. और पांचवा अंडरवर्ल्ड यानी नीचे का स्थान है, उसे गहना कहते हैं, यानी वो नीचे का आग का स्थान. दिस इज रिटन इन मैथ्यू 25:41. उसे मत्ती 25:41 में लिखा हुआ है. गहना इज द लास्ट एंड द फाइनल. 25:41. ओके. देन ही विल आल्सो से टू दोज ऑन द लेफ्ट हैंड, Depart from me, you cursed, into the everlasting fire prepared for the devil and his angels. तब भाई और वालों से कहेगा, हे शापित लोग, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है. This is called the lake of fire, future home of the Antichrist. तो उसे कहते हैं कि अनंत का वो आग की झील, जहां पर जो है मसीह विरोधक को अंत में डाल दिया जाएगा. Sinful woman and men and the angels and the demons and all his agents will be put into the lake of fire. यानी वो पुरुष और स्त्री जिन्होंने व्यभिचार पाप किया, और सारे पापी लोग और सारे दुष्ट आत्माएं जिसने दशरथ जिन्होंने पाप किया, सारे उस कुंड में आज के दिन में डाल दिए जाएंगे. Will be the home for the Satan forever.
और शैतान के लिए उसका ये घर रहेगा हमेशा के लिए. So here in Matthew 25 it is written, describes the, it is an everlasting fire. और मत्ती में देखते हैं उसका वर्णन इस रीति से किया गया कि वो अनंत का आग. Do you want to know how the hell is? जानना चाहते नरक कैसा है? If you read Isaiah 24, अगर यशायाह 24 तुम पढ़ोगे, Bible says there is a worm which shall not die. तो बाइबल कहता है कि ऐसी कीड़ा है जो कभी मरती नहीं. And the fire will not be quenched. और वो आग बुझाया नहीं जाएगा. You know, today the scientist has found the kida in the fire. और जानते हो कि आजकल वैज्ञानिकों ने उस कीड़े को पाया है जो नरक में है. And this worm is not dying even in fire. और ये कीड़ा आग में भी नहीं जल रहा है. When a person sins and dies and goes to the lake of fire. विचार करो जब एक मनुष्य पाप करता है फिर मर जाता है उसका बाद वो जब नरक में चला जाता है. Burning in the fire, everlasting, torturing, no water, no coolness there. और नरक में जो है जलता जा रहा है वहां पर कोई पानी नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं, और जलता जाता है चिल्लाते रहता है वो. The worms will be going inside and biting you, but you cannot bleed out. और वो जो कीड़े हैं वो नाक के अंदर से जाते हुए जो है तुम्हारे लेकिन तुम उसे बाहर नहीं निकालोगे पाओगे. You know, it's a lake of fire, it's not a bottle of water to pour out on your body. वो आग की झील है, वहां पे तुम्हें पानी नहीं मिलेगा जो तुम्हारे शरीर पे तुम डाल सकोगे. Hallelujah. This place. और ये जगह. You know, Revelation 21:8. Oh God, you understand this. Who will go to this place? Revelation 21:8. प्रकाशित वाक्य 21:8. It just came. It's not in my note. ये अचानक आया मेरे नोट्स में नहीं है ये. But the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexual immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone. This is the second death. परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों व्यभिचारों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग इस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है. Now it will be an abode of untold number of human beings will be put here. यानी यहाँ पर अनगिनत ऐसे मनुष्य डाल दिए जाएंगे. It is unbelievable to grasp the below lake of fire. How big it is! It's impossible. It's so mass. It's so big. और यानी ये जो नरक की जो जगह है, वो स्थान है, उसका हम विचार भी नहीं करते थे. इतना बड़ा है वो जगह. You know, read in Revelation 20:14. It says the death and Hades. Hades means Gehenna.